सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतवस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, रियोग चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए आसन लेकर आया हूँ। आसन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आसन करने के चार पोस्चर्स हैं और वो हैं स्टैंडिंग, सीटिंग, प्रोन एंड सुपाइन। ये चार ही पोस्चर हैं जिसके अंदर जितने भी आसन हैं वो किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो अभी मैं आपको स्टैंडिंग कुछ पोस्चर्स के बारे में बात करूँगा। मैं कुछ थोड़े से जो चुनिंदे आसन स्टैंडिंग के मैंने इसमें लिया है, वो ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये जो 15 आसन बताने जा रहा हूँ बस यही है स्टैंडिंग का पोस्चर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हैं लेकिन मैं उसमें से कुछ ही जो हम आप कर सकते हैं उस तरह का मैंने वो लिया है। जैसे इसमें पहला जो बेसिक पोस्चर है स्टैंडिंग का वो है ताड़ासन। अभी दूसरा जो है वो है तिर्यक ताड़ासन। अभी तीसरा जो है वृक्षासन। चौथा नटराजासन। पांचवा हस्तोत्तानासन। छठा पादहस्तासन। सातवां अर्धकटी चक्रासन। आठवां अर्धचक्रासन। नौवां त्रिकोणासन। दसवां उत्कटासन। ग्यारहवां परिवर्त त्रिकोणासन। बारहवां पार्श्वकोणासन। तेरहवां गरुड़ासन। चौदहवां काकासन। पंद्रहवां शीर्षासन। ये कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स के आसन थे जिनके बारे में मैं बताया। तो ये सभी स्टैंडिंग आसन थे। अभी हम बात करेंगे सिटिंग आसन के बारे में। इसमें पहला सुखासन, दूसरा अर्धपद्मासन, तीसरा पद्मासन, चौथा सिद्धासन, पांचवा वज्रासन, छठा सुप्त वज्रासन, सातवां योग मुद्रासन, आठवां दंडासन, नौवां बद्धकोणासन, दसवां वक्रासन, ग्यारहवां अर्धमत्स्येन्द्रासन, बारहवां पश्चिमोत्तानासन, तेरहवां उष्ट्रासन, चौदहवां मंडूकासन, पंद्रहवां गोमुखासन, सोलहवां भूनमनासन, सत्रहवां हंसासन और
18वां मयूरासन। वैसे बहुत से आसन्स हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे जो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं मैं उनका ही जिक्र किया है। अभी हमने सिटिंग बताया, इसके पहले स्टैंडिंग बताया था, और अभी आगे जो बताऊंगा वो है प्रोन पोस्चर। प्रोन पोस्चर का मतलब होता है पेट के बल लेट के करने वाले आसन, प्रोन आसन। इसमें हम जो आम तौर पर प्रैक्टिस की जा रही हैं उन्हीं आसनों को लेकर के आपके लिए आया हूँ। इसमें पहला भुजंगासन, दूसरा शलभासन, तीसरा धनुरासन, चौथा नौकासन और पांचवा कुंभकासन। अभी चौथा पोस्चर जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो है सुपाइन पोस्चर। सुपाइन अर्थात पीठ के बल लेट के करने वाला, स्पाइन के ऊपर लेट के करने वाला आसन सुपाइन। सुपाइन पोस्चर में सबसे पहला शवासन, पवन मुक्तासन, नवासन, सेतु बंधासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन। तो ये अभी तक मैं आपको बताया स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, प्रोन पोस्चर और सुपाइन पोस्चर। इन पोस्चरों में जो हम आम तौर पे जो आसन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी कई ऐसे आसन होते हैं जो एक ही आसन में दो दो तीन तीन चीज़, दो दो तीन तीन पोस्चर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में कई पोस्चर्स शामिल हैं, इसलिए इसे सूर्य नमस्कार को सर्वांग आसन भी बोला जाता है। सारे आसन इसमें कवर हो जाते हैं। तो अभी जो हमारा अगला वीडियो है वो हम इन्हीं पोस्चर्स के बारे में एक एक को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को परफॉर्म करके बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, कौन आदमी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी आज से मैंने ये आसन्स के ऊपर वीडियो शुरू किया है, जिसमें हमने आज एक पूरा ओवरऑल एक व्यू देने की कोशिश की है कि आसन्स कितने तरह के से किए जाते हैं, कितने पोस्चर्स हैं और कौन कौन से उसमें आसन जो हम आमतौर पर रेगुलर इस्तेमाल में करते हैं। यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह योग के ऊपर तरह तरह की जानकारियाँ देते रहें और आप उससे लाभान्वित हों। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आसन्स के डिटेल पोस्चर्स और उनके लाभ हानि के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।